दुनिया के सबसे एडवांस्ड और पॉपुलर शहरों में से एक न्यूयॉर्क इस समय कुछ ऐसा दिखता है। जगह जगह पानी, परेशान लोग, फेल होता प्रशासन। दरअसल तूफान के कारण यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। न्यूयॉर्क बाढ़ में डूब गया है। शुक्रवार को बारिश ने न्यूयॉर्क को पानी से भर दिया। इसके कारण अंडरग्राउंड ट्रेन लाइंस बाधित हो गई। राजमार्गों पर ड्राइवर्स फंस गए। बेसमेंट में पानी भर गया। कई हाईवे के टर्मिनल्स को घंटों तक बंद करना पड़ा। दरअसल कई दशकों में पहली बार ऐसी तबाही देखने को मिली है। शहर के अधिकारियों के मुताबिक दोपहर तक ब्रुकलिन के कुछ हिस्सों में लगभग 7 इंच बारिश हो चुकी थी। एक घंटे में कम से कम 2.5 इंच बारिश हुई थी। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग के मुताबिक लगभग न्यूयॉर्क में 8 इंच बारिश हुई, जिसने सितंबर की बारिश के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। ऐसी तबाही 1960 के डोना तूफान में देखी गई थी। अभी और भी बारिश होने की संभावना है। 2 साल पहले आए तूफान ईडा में 13 लोगों की मौत हो गई थी। वो भी कुछ इसी तरह का तूफान था, जिसमें कई टर्मिनल्स को बंद करना पड़ा था और कई ट्रेन और हवाई यात्राएं बाधित हुई थी। हालांकि शुक्रवार से किसी की भी मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इस बाढ़ ने एक भयानक याद को ताजा कर दिया है। शहर के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें पानी से भरे 6 बेसमेंट अपार्टमेंट की जानकारी मिली थी, लेकिन इनमें रहने वाले सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुक और मेयर एरिक एडम्स ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से निकलने का आग्रह कर दिया है। हालांकि इस दौरान स्कूल खोले गए थे और छात्र पढ़ने के लिए भी गए थे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बारिश ऐसी तरह बनी रहती है तो स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल शहर के कई इलाकों में भीषण जाम भी देखने को मिला है और इस सब की वजह है भारी बारिश और जल भराव। अधिकारियों के मुताबिक लॉन ईडिंग रोड पर जाम लगा हुआ है। शहर की 3,500 बसों में से 44 बसें फंस गई हैं। पूरे शहर में बस की सेवा बाधित हो गई है। कुछ स्कूल बस चल रही थी। बसों की सेवा बाधित होने के कारण सबवे प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ देखने को मिली है। बहरहाल इस समय न्यूयॉर्क की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह जल भराव है और प्रशासन लगातार लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा है।